नमस्कार देश विदेश सहित अपूर्व बुलेटिन आरंभ करिबा वर्तमान समय हेडलाइन सह सिडनी डायलॉग रे दीक्षांत भाषण प्रदान कले प्रधानमंत्री भारत प्रजुक्ति उद्बोधन एवं विप्लव उपरे उद्बोधन ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के सह उपस्थित थे पूर्वतन जापान प्रधानमंत्री निशा कबलरे ओडिशार शैशव चिंता प्रकट कले महामहिम निशा कमाइबा दिगरे पुलिस अधिकारी को अधिक काम करने को देले परामर्श चिटफंड क्षतिग्रस्त को न्याय केबे क्षतिग्रस्तों पर समस्ते कांदुछंती मात्र कहारी आखिरे लुह नहीं टंका फेरैबा कही राज्य सरकार पार हेलेनी दुईटी साधारण निर्वाचन क्षतिग्रस्त स्थिति यथापूर्व तथा पर कोविड टीकाकरण में पुणी थे भारत रेकर्ड 38 कोटी टपिला दुईट डोज नहीं व्यक्ति संख्या देश में वर्तमान सुधा मोट टीकाकरण 113 कोटी पार हर घर दस्तक मध्यम टीकाकरण प्रति आग्रह एवं विश्वास बढ़ुवा कहले केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री वायुसेनार MI-17 हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त अरुणाचल प्रदेश में मेंटेनेंस उड़ाण बेले घटी दुर्घटना अल्पके बर्तिले दुई जन पायलट और तीन क्रू सदस्य जांच पाई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आदेश तमिलनाडु में पुणी बर्षार तांडव चेन्नई सह विभिन्न सहर में लागि रही वर्षा सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग शुक्रवार स्कूल और कॉलेज बंद रखा परामर्श दुबई एयर शो रे दम देखाइला भारत सबुठ हाल्का युद्ध विमान तेजस आकाशे यार कलाबाजी देखि चमत्कृत हेले विश्ववासी सेबड़े ईर्षारे जलुवा पाकिस्तान सोशल मीडिया रे देखाइला निजर हताश पणिया एवं सौरमंडल मिलिपे नवम ग्रहर सन्धान प्रमाण थिबाने वैज्ञानिकों बड़ खुलासा ग्रहर आकार पृथ्वी ठारु पांच गुणा बड़ आनुष्ठानिक घोषणा को अपेक्षा देखा संपूर्ण खबर डिजिटल जुग बदलई आम चारिपाखर दुनिया भारत पलटि डिजिटल टेक्नोलॉजी लीडर समाज राजनीति अर्थनीति सबकि संज्ञा बदली ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट तरफ आयोजित सिडनी डायलॉग रे निजर मत रखिंट भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकास एवं समृद्धि विश्व एक नुआ सुजोगर अयमारंभ हो क्रिप्टो करेंसी बाबदरे मध्य चिंता प्रकट करिसेंति प्रधानमंत्री मोदी विकास एवं समृद्धि पाई विश्व रे सृष्टि होईछि एक नुआ सुजोग सबु किछिर संज्ञा बदलाई दिछि डिजिटल टेक्नोलॉजी भारत पलटिछि डिजिटल टेक्नोलॉजी रो लीडर अनेक क्षेत्र रे आनिछि वैप्लविक परिवर्तन सिडनी डायलॉग रे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को वर्चुअल अंशग्रहण क्रिप्टो करेंसी ने चिंता प्रकट डिजिटल युग बदलाई देछि आम चारिपाखर दुनिया समाज राजनीति अर्थनीति सबु किछिर संज्ञा मध्य एहा जको बदली जाइछि बोली ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट तरफ आयोजित सिडनी डायलॉग रे निजर मत रखिछन्ति भारतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकास एवं समृद्धि पाई विश्व रे एक नुआ सुजोगर आयमारंभ होइछि या सहित आम समुद्ररु साइबर एवं स्पेस पर्यंत विभिन्न प्रकार नुआ संकट और द्वंद्व को मध्य सामना करुछु बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री द डिजिटल एज इज चेंजिंग एवरीथिंग अराउंड अस वैश्विक प्रतियोगिता एवं अंतर्जातीय व्यवस्थार मुख्य साधन और चाबिकाठी साजिछि टेक्नोलॉजी डिजिटल युग विश्व क्षमता और नेतृत्व रूपरेख मध्य बदली जाइछि भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र एवं डिजिटल लीडर भाव में तार अंशीदार देशगुड़िक सह विश्वर समृद्धि एवं सुरक्षा दिगरे निजर भूमिका तुलाइबा को प्रस्तुत बोली एहि अवसर रे कहिथिले प्रधानमंत्री इंडिया इज रेडी टू वर्क विथ पार्टनर्स
ফর আওয়ার শেয়ার্ড প্রসপেরিটি এন্ড সিকিউরিটি। ভারতর ডিজিটাল যাত্রা বিষয়ে উল্লেখ করা যাই প্রধানমন্ত্রী কইতিলে ভারত এবে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেই গতি করুছি। বিশ্বর সবুঠু খরচবহুল ব্যাপক লোক সম্পর্ক ভিত্তিভূমিরু দ্রুত অভিবৃদ্ধি সম্পন্ন স্টার্টআপ ইকোসিস্টম পর্যন্ত ব্যবস্থা মধ্যে রয়েছে ইউনিক ডিজিটাল আইডেন্টিটি, গ্রামাঞ্চলকু ব্রডব্যাঙ্ক সংযোগ, লোকসেবা এবং প্রশাসন ব্যবস্থার ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবস্থার প্রচলন। ভারত হচ্ছে বিশ্বর তৃতীয় বৃহৎ অভিবৃদ্ধিশীল স্টার্টআপ ইকোসিস্টমর দেশ। ভারতীয় শিল্প, সেবা, কৃষি, টেলিযোগাযোগ, স্পেস প্রত্যেক ক্ষেত্রে ডিজিটাল টেকনোলজির প্রয়োগ হচ্ছে বলে প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী। ভারতের প্রতিভা বিশ্বকু অনেক আইটি সম্পর্কিত সংকটর উদ্ধার করেছেন। ভারত কোউইন ভলি প্ল্যাটফর্ম বিশ্বকু মাগড়া উপহার দেউছি। তবে ক্রিপ্টো করেন্সি বা ডিজিটাল করেন্সি কু নেই নিজের চিন্তা প্রকট করে প্রধানমন্ত্রী। এয়া যেপরি অপব্যবহার নহুয়ে তা উপরে বিশ্বর সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশ একাঠি হয়ে কাম করা উচিত বলে আহ্বান দিয়েছিলেন। নভেম্বর 17-19 যায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে তিনদিনিয়া সিডনি ডায়লগ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল মোড্র এই ডায়লগ্রে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন মধ্য যোগ দিয়ে নিজের মত রাখিলে। ব্যুরো রিপোর্ট অর্গস নিউজ। দেশর ব্যাঙ্ক সেক্টরকু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঙ্ক পরামর্শ। ব্যাঙ্কগুড়িক দেশর সম্বল বৃদ্ধি করা সহিত নিযুক্তি সৃষ্টি, বিত্তীয় স্থিতি সমতুল বা ব্যালান্স সিট দিগরে কাম করা উচিত বলে পরামর্শ দিয়েছেন। ব্যাঙ্কর মানকর এক সম্মিলনী বিল্ডিং সিনর্জি ফর সিমলেস ক্রেডিট ফ্লো আন্ড ইকোনোমিক গ্রোথ কু উদ্বোধন দিয়ে প্রধানমন্ত্রী কহিছেন যে গ্রাহকঙ্ক সমস্যার সমাধান ক্ষুদ্র, মধ্যম ও অণুশিল্প উদ্যোগকু সহযোগ করা সহিত ব্যাঙ্ক গ্রাহকঙ্ক পাখকু যা উচিত। किसी भी देश की विकास यात्रा में एक ऐसा समय आता है जब वो देश नई छलांग के लिए नए संकल्प लेता है और फिर पूरे राष्ट्र की शक्ति उन संकल्पों को प्राप्त करने में जुट जाती है। अब आजादी का आंदोलन तो बहुत लंबा चला था, 1857 से, तो विशेष रूप से उसको इतिहासकार एक सूत्र में बांध करके भी देखते हैं, लेकिन 1942 और 1930 दांडी यात्रा और क्विट इंडिया, ये दो ऐसे टर्निंग पॉइंट थे जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा टाइम था जो देश को छलांग लगाने का मूड बनाया। 30 में वो जो छलांग लगी वो देश भर में एक माहौल बना दिया, और 42 में जो दूसरी छलांग लगी उसका परिणाम 1947 में आया। यानी जो मैं छलांग की बात कर रहा हूं आजादी के 75 साल, और अब एक ऐसी अवस्था में हम पहुंचे हैं कि सच्चे अर्थ में ये छलांग लगाने के लिए जमीन मजबूत है, टारगेट तय है, बस चल पड़ना है। और मैंने लाल किले से कहा था, 15 अगस्त को कहा था, यही समय है, सही समय है। आप सभी नेशन बिल्डिंग के इस महायज्ञ के प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं, और इसलिए भविष्य की तैयारियों को लेकर आपका संवाद, ये दो दिवस का आपका मंथन, आपने मिल बैठ करके जो एक रोडमैप सोचा होगा, आपने जो निर्णय किए होंगे, मैं समझता हूं सारी बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, सरकार ने बीते 6-7 वर्षों में
बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया, उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र वाराणसी आरंभ होइछि तीनदिनिया बेलून फेस्टिवल। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देवाई हॉट एयर बेलून फेस्टिवल आरंभ होइछि। तेब देव दीपावली अवसर में आयोजित होता उत्सव में जोगदे बेस आनंद उठाई स्थानीय एवं दूर आसीथिबा पर्यटक। नवंबर 19 शेष होगाक फेस्टिवल रे हजार हजार लोक जोगदे देखाई। हमेशा धर्म की नगरी के साथ एक प्रसन्नता के साथ आध्यात्मिक नगरी गंगा जमुना सरस्वती तीनों एक धारा में बहती हुए आज जहां देव दीपावली का महोत्सव विश्व देखने आता था, काशी में पर्यटन विभाग के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते जो जनता को एक फ्री और प्रसन्नता के साथ बैलून से जो यात्रा हवा में उड़ने का अवसर दिया जा रहा है, हमें लगता है यह बहुत बड़ा संदेश है। इससे पर्यटक के साथ साथ एक युवा पीढ़ी और छोटे तटवे के लोगों को भी एक अनुभव मिलेगा, देखने को मिलेगा और उनको सैर करने का। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं पर्यटन विभाग का, उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी। अभी नहीं हुआ है, हमारे अगले शॉट में शायद हमें नंबर मिल, टिकट्स मिल जाए। अभी टिकट्स नहीं है, अभी हो रहा है, अभी फर्स्ट स्लॉट हो रहा है। सेकंड स्लॉट में अगर चांस मिल जाए तो हम भी जाएंगे। पहली बार हो रहा है लेकिन सिर्फ 3 डेज के लिए हो रहा है। और भी दिन होते तो और मौका मिलता लोगों को, कमी टिकट से अभी तक तो। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा पहली बार यहाँ पर जो शो हुआ है हॉट एयर बलून में बनारस के ऊपर उड़ के, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा ये फेस्टिवल एक है और ये बहुत ही अच्छी मुहिम है और हमें और भी करना चाहिए ऐसा। निशा कबल रे ओडिशार शैशव, राज्य में सबु अपराधर मुख्य कारण पलटिछि निशा। तेणु निशा कमाइबा पई पुलिस अधिकारी काम करंतु बोली कहिछन्ति राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। निशा कबल रे ओडिशार शैशव, राज्य में सबु अपराधर मुख्य कारण निशा। निशा कमाइबा दिगरे काम करंतु पुलिस अधिकारी। विजु पटनायक पुलिस एकाडेमी अनुष्ठित दीक्षांत समारोह रे मुख्य अतिथि भाव जोगदे एभले उद्वेग प्रकाश करिछंती राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। राज्य में गंजेई और ब्राउन सुगार कारबार बढ़ी चलता बेले निशा जो नष्ट शैशव को बचाई पुलिस को अनुरोध करिछंती राज्यपाल। तो मेरी एक ही प्रार्थना है पुलिस पर्सनल से कि उड़ीसा के बचपन को बचाने का जरूरत है। जो मैं महसूस कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ पेपर्स के माध्यम से, उसमें मुझे थोड़ा लगता है कि जो नशा इधर है वो कम होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये नशा जो है ये सभी क्राइम एक्टिविटीज़ का आधार बन जाता है, फिर उस सब तरह के पाप हो जाते हैं। उड़ीसा पॉलिटिशियन निसारा हफ गंजे चलाण रे उड़ीसा नंबर वन, ब्राउन सुगार आमदानी रे भी नंबर वन। नजर पकांतु ओडिशा समेत विभिन्न राज्यरु एनसीबी जबत करिथिबा गंजेईर परिमाण उपरे 2020 रे ओडिशारु जबत होईछि 1384 क्विंटल गंजेई, 978 क्विंटल गंजेई जबत होई द्वितीय रे आंध्र प्रदेश रहिथिबा बेले 435 क्विंटल धरा होई तृतीय रे रहिछि दिल्ली। सेपरि 2013 रु 2021 मध्यरे राज्य पुलिस द्वारा गंजे जबतर परिमाण 7 गुण वृद्धि पाई। 2013 241 क्विंटाल गंजे पुलिस जबत करिथिबा बेले 2021 अक्टोबर पर्यंत धरा होईछि 1504 क्विंटाल। 2020 रे गंजे जबत परिमाण थिला 1384 क्विंटाल। बड़ कथा हेउछि ओडिशार गंजेईर चाहिदा अन्य राज्य रे बढ़ुथुबा जोगु ट्यांकर ओ ट्रेन जोगे अन्य राज्य को चालान करा जाउछि। सैटेलाइट माध्यम रे कोटि कोटि गंजे चाष होउछि ताकू लोकेट करा जाई परिबो एवं हेलिकॉप्टर रो औषध सिंचन करिकि भी याकू बंद करा जाई परिबो। कथा होउछि जो गंजे चाष को निपात करबा पई जो राजनैतिक इच्छा शक्ति दरकार
କିଛି ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ। सेपटे ब्राउन सुगार जो राज्य में पथभ्रष्ट एवं कलेज छात्र तथ्य कह 2021 केवल 10 केजी अधिक ब्राउन सुगार जबत कर भुवनेश्वर सहरांचल पुलिस 6 केजी अधिक ब्राउन सुगार जबत कर कटक पुलिस जबत कर 4.5 केजी अधिक ब्राउन सुगार राज्य को आसुवा एत पर ब्राउन सुगार पचरे पश्चिम बंग और बांग्लादेश लिंक रही मुख्य किंग पिन धरा पड़ना एभली स्थिति रे ड्रग्स फ्री इंडिया प्रथम लक्ष्य रही बेले ओडिशा उपरे विशेष दृष्टि रही बोली कहिछंती एनसीबी डीजी सत्य नारायण प्रधान। जेहेतु आम देखुचु जे कैनाबिस बा जो गंजेईर स्मगलिंग गंजेईर जो इलीगल ट्रांजिट एटा ओडिशा रे बहुत परिमाण रे होउची अन्य ईस्टर्न राज्य रे मध्य होउची नॉर्थ ईस्ट रे भी होउची तेणु निश्चित भाव रे आमको ओडिशा प्रति भी गोटे रणनीति स्ट्रैटेजी तैयारी करके काम करिया पड़ो तेणु गोटे गोटे मिशन मोड रे सरकार काम कर ड्रग फ्री इंडिया टाकू केमती आमे एज मच एज पॉसिबल आमे गोटे रियलिटी करी पारिबो। निशा कारबार राज्यर युवपीढ़ी को नष्ट करी चली स्थिति एपरी होई जे विभिन्न समय कलेज छात्र ब्राउन सुगार और गंजे व्यवसाय करुवा सामना को आसुची राज्यपाल एने चिंता प्रकट करथिबा बेले बेळ थाउ थाउ एथिरे रोक न लागिले संपूर्ण शैशव और युव समाज पथभ्रष्ट हो। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन हेमंत रोशन रथ रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ममिता मेहर हत्या मामलें कैप्टेन को बहिष्कार दाबी रे बीजेडी नेता और मंत्री को अंडामाड़ घटना विरोधी अंडामाड़ को नापसंद कले बीजेडी विधायक सौम्य रंजन पट्टनायक अंडागुड़िक नष्ट नक गरीब लोक बांटिदे सौम्य अनुरोध सरकार मध्ये न्यायपालिका प्रक्रिया रे न्याय प्रदान करंतु बोली कहिछंती सौम्य पट्टनायक सेपटे यार जवाब रखी बीजेपी सरकार कुंभकर्ण निद्रा रे सोइछंती सरकार को उठाइबा को एभली करा जाउछे आगो को लोके ढेला पत्थर मारिबे बोली चेताई देइछंती प्रदीप पुरोहित। मु यार दृढ़ निंदा करूची एवं प्रतिवादर जो बाट गुड़िक अच्छी महात्मा गांधी इंग्रेज सरकार के विरोध में प्रतिवाद करुले कितने से अंडामाड़ हो अंडागुड़िक बर गरीब लोक खावाक देखापी पुष्टिसार हो पारंता मु विरोधी राजनैतिक नेता मान निवेदन करी अंडामाड़ करवा परिवर्ते से अंडागुड़िक गरीब लोक खावाक दिंतु एवं प्रतिवाद करने भिन्न उपाय अवलंबन करूँ प्रतिवादर अधिकार समस्त अच्छे सरकार मध्य प्रकार प्रतिवादर जो अधिकार अच्छी न्यायालय ठार आरंभ कर आम व्यवस्था ये अधिकार को सुरक्षित रखापी उद्यम कर गोटे सरकार जिते बेले कुंभकर्ण निद्रा शोई पड़े एवं जिते बेले कौन सी प्रकार उत्तर देवार स्थित सरकार न था कौन सी लोकंर कथा को शुणवार स्थित ना था अंधमुख बधिर पलटि जाए से समय से सरकार को निदर उठाईवाई विभिन्न प्रक्रिया हुए आज दिन में ओडिशा रे ठीक से भली घटना घटी जो सरकार 21 वर्ष धरिकी राज्य को शासन करुच्ची ममिता मेहर एत बड़ गोटे घटना घटीगला ममिता मेहर गोटे झील को काटिके पोड़ी दिगला टिके टिके काटिक बोधे शताब्दीर सारा भारत बर्ष रे सबुथुर बड़ घटना होती तार सत्वे ओडिशा सरकार निरवद्रष्टा। चिटफंड क्षतिग्रस्त को न्याय केबे क्षतिग्रस्त समस्ते कांदुछंती मात्र कहारी आखिरे लुह नाही एपरिकी चिटफंड टंका फेरेबा कहि सरकार दुईटी साधारण निर्वाचन पार कर सारे किंतु क्षतिग्रस्त स्थिति यथापूर्व तथापुर से भाग्य परिवर्तन हो देख रिपोर्ट चिटफंड क्षतिग्रस्त सभी कांदुचंती मात्र कहा खिरे लुह ना आंदोलनकारी ठू नहीं सरकार समस्त लगे फायदामंद टॉपिक सरकार चिटफंड टंका फेराइबा कथा कही दुईटी साधारण निर्वाचन पार हेले आंदोलन करुथिबा नेता सरकारी दल रे मिसी फायदा नेले मात्र क्षतिग्रस्त स्थिति यथापूर्वक तथा परम सेमानको भाग्य आकाश रे आसुनी परिवर्तन टंका फेरी पाइबे नाही चिटफंड क्षतिग्रस्त एक कथा आमे कहुनु बर खोद राज्य सरकार विधानसभा रे एहा स्वीकार करिछंती थरे भलकरी नजर पकांतु खंडपड़ा विधायक सौम्यरंजन पट्टनायक विधानसभा रे पचारिथिबा प्रश्नर उत्तर उपरे
ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମଦନ ମୋହନ ଦାସ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ, ସେମାନେ ଠକିଥିବା ମୋଟ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଓ ଉକ୍ତ ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ତାହା ଆକଳନ କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବା ସହିତ 15 ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି। ସରକାର କହିଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବୁ ଇଲେକ୍ସନ ଇଲେକ୍ସନର ପୂର୍ବରୁ ଫେରେଇବୁ ଇଆଡ଼ୁ ଫେରିବୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମ ସରକାର ଆମକୁ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି କହିକି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେବେ ତା ବି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଜି ନବୀନ ସରକାର ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇଛି, ବିଛଣା ଧରେଇ ଦେଇଛି, କିଏ ମରିଯାଇଛି, ଆମ ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ମୁଁ ଏକାଟିଆ ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିସ କରୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି ନା କିସ, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ ମାନେ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ 5,000 10,000 ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାହାକୁ ପଇସା ଦେଇନି କି ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଏ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର କେଉଁଠି ହେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିକି ବସିଛନ୍ତି କିଏ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯେତିକି ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ତୟାର ଅଛୁ ଏବଂ ଏ ସରକାରକୁ ଚୌକିରୁ ନ ହଟେଇଲେ, ଚୌକି ସଙ୍କଟ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସରକାର ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କାରବାର ଏବଂ ଏହାକୁ ବିରୋଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କହୁଛି ସରକାରଙ୍କଠୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଛି, କାରଣ 2014 ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧ କରି ଅନେକ ନେତା ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ, ଅନେକ ନୂଆ ନେତା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିବା ନେତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସକ ଦଳ ଶିବିରକୁ ଡେଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବାଏ ବାଏ କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ସରକାର ବା ଶାସକ ଦଳ 300 କୋଟିର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଲାଗି କମିଶନ ବସାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଧରାଇବା ସହ 2-2 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ବୈତରଣୀ ପାର ହେଲେ, ଆଉ ଏବେ ସଭିଏଚ୍ଛୁ ଏନେଇ ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ନେତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେହିପରି ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ସରକାର ଠକିଛନ୍ତି, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଠକିଛନ୍ତି, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଯେ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଯେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଠକେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ହରାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଇସା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଇସା ସେମାନେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା କମିଶନ 15 ଲକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମିଶନ ପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଗଲା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 8 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମସ୍ତ ରହିଛି ଦେଶ ବିଦେଶକୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।